भूषण ने कठुआ के जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र परिसर के सामने नहर के किनारे पौधारोपण किया। इस अवसर पर डॉक्टर भारत भूषण ने अलर्ट इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि इस मार्ग को हरा भरा करने की कवायद के चलते आज उन्होंने अपने परिवार सहित पौधारोपण किया है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण पर्यावरण को साफ रखता है। वहीं उन्होंने अपने तबादले पर कहा कि तबादला सरकारी नौकरी में रूटीन है। साथ इस वक्त कठुआ के एडिशनल डीसी भारत भूषण जी खड़े हैं। कुछ ही दिनों पहले इनका तबादला जो है यहाँ से किया गया है और जाते जाते जो है कठुआ में एक संदेश देते जा रहे हैं पौधारोपण का। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना है आपका, एक मैसेज जो है आप ये कठुआ में पेड़ लगा रहे हो, क्या मैसेज देना चाहते हो कठुआ के लोगों को? ये मेरी नई पोस्टिंग जो है, मैं कल जा रहा हूँ वहाँ ज्वाइन करने, और आज मैंने सोचा कि ये प्लांट्स सारे यहाँ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का रोड है इसमें कोई प्लांट्स नहीं है और बड़ा खूबसूरत रोड नया बना है, तो आज हमने एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट और सोशल फैसिलिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलके और मैंने खुद और मेरे परिवार ने सभी ने यहाँ प्लांट्स लगाए हैं ताकि ये रोड हमारा हरा भरा हो और एक अच्छा लगे रोड और वातावरण को शुद्ध करने में हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो। जी डॉक्टर साहब, आपकी ट्रांसफर हुई, काफ़ी बवाल जो है वो कठुआ में मचा है, लोगों ने रोष प्रकट किया है, क्या कहना है आपका, इस तरह का जो मैसेज है क्या संदेश है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ट्रांसफर किसी ऑफिसर की या एम्प्लॉय की करना, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और ट्रांसफर जब भी हो तो एम्प्लॉय हैज़ टू कम्प्लाई द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो अलग बात है, लेकिन उनका एक रोड पे आना मुझे लगता है कि वो दैट डज नॉट सूट्स ए गवर्नमेंट ऑफिसर। चलो जो भी है, मैं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना प्रोटेस्ट सारा बंद करें, क्योंकि मेरी अगले दिनों में होने प्रमोशन होने वाली है और जहाँ भी कोई पोस्टिंग होगी आई हैव टू गो देयर बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर बाउंड बाई सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जिन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया उन सभी से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि वो अपना प्रोटेस्ट बंद करें, और तो क्योंकि ज़्यादातर लोग बेचारे जो गरीब लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे दिहाड़ीदार हैं, रोजाना मेहनत मजदूरी करते हैं, तो अपना काम धाम छोड़ के वो प्रोटेस्ट पे उतरे हैं, तो मेरी आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट है कि अपना प्रोटेस्ट रोकें। उनकी जो मेरे मुतलक सहानुभूति है, मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि जहाँ भी जिस भी पोस्ट पर रहूँगा अच्छा काम करूँगा, उनके लिए जो भी मैं कर पाऊँगा वो करूँगा। ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये पौधारोपण किया जा रहा है, क्या संदेश जो है आने वाली जनरेशन को देंगे आप? देखिए जी, हमारा जो डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम सभी की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम जितने प्लांट्स बचे हैं उनको बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है, वो इतना ज़्यादा होने वाला है कि मानवता के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, और हम लोग आज एक मिशनरी मोड में सभी लोग जब भी प्लांटिंग सीजन हो प्लांट्स लगाएं और जो बचे हुए प्लांट्स हैं उनको भी बचाएं, तभी हम सभी का जो एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स पे वो बचेगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि कठुआ को स्वच्छ हरा भरा जो है वो रखना चाहिए, ये संदेश जो है एडिशनल डीसी साहब ने जाते समय जो है अपनी पोस्टिंग यहाँ से हो रही है उनकी और जाते जाते जो है ये संदेश दिया है कि हर एक को जो है वो पौधा जो है वो लगाना चाहिए। मैं अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़, कठुआ।